सो गाइज, अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं आज इस वाली वीडियो में ऐसा सही तरीका बताऊंगा जिससे आपके चैनल पे 100% सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एक सेकेंड भी मिस ना करते हुए मैं आप सभी को बताता हूँ करना क्या है। चैनल चाहे किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, आप ये तरीका ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही जेन्युइन तरीका है। सबसे पहले आपको अपना YTS स्टूडियो ओपन करना है, देन आपको एनालिटिक्स पे क्लिक करके रिसर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका चैनल चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, आपको अपनी कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया आपको वही सर्च करना है। जैसा कि मेरे कैटेगरी में है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो सर्च किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा कीवर्ड सर्च किया गया है और ये कीवर्ड्स अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अब आपको इन कीवर्ड्स पर वीडियो बनाना है। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कीवर्ड है 1000 सब्सक्राइबर। तो मैं यहाँ पे कट करके थोड़ा यूट्यूब पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा लोडिंग है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे जाके सर्च करूंगा। अब यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाके लिखेंगे 1000 सब्सक्राइबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे ये कीवर्ड रैंक कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने 1000 सब्सक्राइबर सर्च किया, यहाँ पे बहुत सारी वीडियो आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर यहाँ पे सब ने इस कीवर्ड को यूज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जितना भी मैंने वीडियो को स्क्रॉल किया सब में यही टाइटल है 1000 सब्सक्राइबर। यहाँ पर आप समझ सकते हो आप अपने YTS स्टूडियो में जाकर जिस भी कैटेगरी का वीडियो सर्च किया जा रहा है आपको उसी कैटेगरी पर वीडियो बनाना है। मेरे YTS स्टूडियो में सर्च किया जाने वाला कीवर्ड था 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। इसी तरीके से आपके YTS स्टूडियो में अलग कीवर्ड होगा जो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, आपको बस उसी से रिलेटेड वीडियो बनानी है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपने किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, बस आपको अपने एल्गोरिथम के हिसाब से काम करते रहना है। आप अपने एल्गोरिथम के हिसाब से काम करोगे तो आपका वीडियो डेफिनेटली वायरल होगा। और दोस्तों मेरे YTS स्टूडियो में ज्यादा सर्च करने वाला जो कीवर्ड है ये है हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर यूट्यूब फास्ट। तो यहाँ पर मैंने जो सर्च किया इसी रिलेटेड जो भी वीडियो बनाया होगा इसका वीडियो डेफिनेटली वायरल गया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर इस टॉपिक पे वीडियो बनाए सबका वायरल गया है। तो मैं भी इस तरीके का वीडियो बनाऊंगा, इसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो डेफिनेटली मेरा भी वीडियो वायरल होगा। आपको अपने YTS स्टूडियो में जो ज्यादा कीवर्ड सर्च किया जा रहा है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो बनाना है, आपका वीडियो भी डेफिनेटली वायरल होगा, 100% वायरल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा टाइटल है हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल फास्ट, यहाँ पर वही कीवर्ड यहाँ पे दिया गया है। इस भाई ने इस कीवर्ड को यूज किया और इसी पर वीडियो बनाया, इसका वीडियो भी आप देख सकते हो वायरल गया है। तो दोस्तों आप भी अपने YTS स्टूडियो के हिसाब से कीवर्ड को सर्च करो और उस पर वीडियो बनाओ, उसी से रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपका भी वीडियो वायरल हो सकता है। यहाँ पर मैं एक बड़े क्रिएटर का वीडियो सर्च करता हूँ जो अभी के टाइम पे बहुत ही वायरल हो रहा है। मैं आप सभी को समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा फेसबुक वीडियोज कैसे अपलोड करें, और ये कीवर्ड अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है क्योंकि अभी अभी फेसबुक ने बहुत ही बड़ा अपडेट किया है मोनेटाइज से रिलेटेड, क्योंकि जो मोनेटाइज का कैटेगरी है फेसबुक में वो हटा दिया गया है, इसीलिए कीवर्ड बहुत ही ज्यादा सर्च किया जा रहा है। और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्रेडिंग ज्ञान ने इस भाई ने इसी से रिलेटेड वीडियो बनाया और इसका वीडियो आप देख सकते हो अभी के टाइम पे 1.2 मिलियन। आई होप आपको किस तरीके से काम करना है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं सेम इसी तरीके से काम करता हूँ और बड़े बड़े यूट्यूबर जो है बड़े बड़े क्रिएटर है सेम इसी तरीके से काम करता है। इसी तरीके से सर्चेबल टॉपिक पे वीडियो बनाई जाती है, पहले कीवर्ड की रिसर्च की जाती है फिर उस पर वीडियो बनाई जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।